तो टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये सबसे पहले 7003 से 7083 के बीच में कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइंड किया गया। इससे पहले हम रियल नंबर के बारे में ही सिर्फ जानते थे। जो रियल नंबर होते थे तो उसके 73 के पहले जितने भी कुछ इस टाइप के इक्वेशन हुआ करते थे, जैसे एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस फोर इक्वल टू जीरो, इस टाइप के जो इक्वेशन होते थे इसको हम सोल्व नहीं कर पाते थे। क्योंकि क्या होता है कि LHS में कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जो एक्स के प्लेस पर रखा जाए तो ये यहाँ पे निगेटिव यानी जीरो कर दे इसको। तो सबसे पहले क्या हुआ कि इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए 7042 में आयलर ने सबसे पहले एक इक्वेशन सोल्व किया था, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो। उन्होंने बताया कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस वन आएगा। यानी उन्होंने कहा कि इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आपको प्लस माइनस अंडर रूट माइनस वन आ रहा है। अब स्क्वायर रूट ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है कि इसके दो रूट आते हैं, दो रूट अल्फा और बीटा होता है। लेकिन इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए रूट अंडर माइनस वन हम इसको सोल्व नहीं कर पाते थे। तो सबसे पहले आयलर ने बताया कि यहां पे क्या कीजिए कि स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव वन, स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव वन को आप आयोटा से डिनोट कर दीजिए, यानी आयोटा इक्वल टू स्क्वायर रूट माइनस वन। तो सबसे पहले ये वर्ड सबसे पहले आयलर ने दिया था। और आयोटा, आयोटा एक ग्रीक वर्ड है। आयोटा हमारा यहां पे एक ग्रीक वर्ड है जिसको डिनोट किया गया। तो जब इमेजिनरी नंबर आया तो इमेजिनरी नंबर को क्या हुआ कि यहां पे जब हम लिखते हैं तो सबसे पहले अल्फाबेट हमारा आई आता है। तो आई को डिनोट करने के लिए ये जो सिंबल दिया गया आयोटा उसको आई से डिनोट किया गया। ठीक है, इसके बाद सोल्व द इक्वेशन, सोल्व द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर यह प्लस है राइट साइड जाएगा तो माइनस का वन हो जाएगा, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर माइनस वन आएगा, यानी एक्स इजकल टू प्लस माइनस। अभी हमने देखा था कि अंडर रूट माइनस वन को आयोटा से डिनोट करते थे, तो यहाँ एक्स इजकल टू प्लस माइनस आयोटा आएगा, यानी दो रूट हमको यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि कॉम्प्लेक्स नंबर को बताने के लिए, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, एक इमेजिनरी और रियल नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। ठीक है, तो देखिए कुछ यहाँ पे इमेजिनरी नंबर है, आयोटा टू आयोटा माइनस थ्री आयोटा फोर आयोटा माइनस का फाइव आयोटा। ठीक है, और इस इमेजिनरी नंबर में अगर हम कोई रियल नंबर को ऐड कर देते हैं, इस इमेजिनरी नंबर में हम कोई रियल नंबर ऐड करेंगे तो ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। टू प्लस आयोटा, थ्री प्लस आयोटा, माइनस टू माइनस आयोटा, माइनस थ्री प्लस का रूट टू आयोटा, इस टाइप के जब हम नंबर इमेजिनरी नंबर में कोई भी रियल नंबर को जब ऐड करते हैं तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। तो सबसे पहले समझते हैं, यहाँ पे कोई रियल नंबर है टू थ्री पाई रूट टू फाइव सिक्स माइनस थ्री माइनस सेवन, ये सभी के सभी हमारे क्या है, रियल नंबर है। और रियल नंबर के अंदर हम कुछ इमेजिनरी नंबर को ऐड करते हैं, आयोटा माइनस टू आयोटा थ्री आयोटा रूट टू आयोटा माइनस फाइव
फाइव आयोटा, रूट थ्री आयोटा, इस टाइप को जब नंबर को ऐड करेंगे तो ये क्या हमारा इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों मिल के हमारा जो नंबर बनेगा उसी को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली हम जो डिनोट करते हैं वो जेड से हम इसको डिनोट करते हैं। तो यहां तक समझ में आ गया कि यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के कंबाइंड करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा बनता है। और आयोटा का वैल्यू होता है जो यहाँ पे अंडर रूट माइनस वन होता है। नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डालिए, पावर ऑफ आयोटा, पावर ऑफ आयोटा, पावर ऑफ आयोटा। तो देखिए अभी हमने देखा था कि यहां पे आयोटा के वैल्यू क्या होता है, अंडर रूट माइनस वन। अब ये इसको स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, यानी बोथ साइड अगर स्क्वायर करते हैं तो यहां पे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर माइनस वन, यानी आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होगा वो हमारा माइनस वन होगा। अच्छा इसमें अब क्या करते हैं, दोनों तरफ बोथ साइड हम क्या करते हैं, आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा इक्वल टू माइनस वन इंटू आयोटा, तो ये आ गया हमारा आयोटा क्यूब। और यहां पर देखिए माइनस वन को अगर आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा माइनस का आयोटा आएगा, यानी आयोटा क्यू का वैल्यू यहाँ पे माइनस आयोटा होगा। अगेन अगर देखिए आयोटा स्क्वायर है, इस आयोटा स्क्वायर को अगर फिर से आप इसको स्क्वायर करते हैं अगेन, तो आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर इधर होगा माइनस वन का स्क्वायर, यानी आयोटा पे पावर फोर इजकल टू प्लस का वन आएगा। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, इंपॉर्टेंट ये आप इसको याद करके रखिए, क्योंकि आयोटा पे पावर फोर के टर्म में जो भी नंबर होगा ब्रेक होगा उसका वैल्यू हमारा हमेशा क्या होगा, वन आएगा। जैसे यहां पर आप देखिए आयोटा पे पावर फाइव का वैल्यू अगर लिखना चाहे हम, तो आयोटा पे पावर फोर और यहाँ पे मल्टीप्लाई आयोटा, क्योंकि बेस सेम है तो पावर क्या होता है एड हो जाता है। तो आयोटा पे पावर फोर की वैल्यू वन इंटू आयोटा, तो ये आ गया हमारा आयोटा। तो आयोटा पे पावर फाइव की वैल्यू आयोटा। सिमिलरली अगर आप आयोटा पे पावर सिक्स का वैल्यू देखिए तो इसको क्या लिख सकते हैं, आयोटा पे पावर फोर इंटू आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो ये आयोटा पे पावर फोर की वैल्यू आपका वन होगा और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का वन होगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस वन आएगा आयोटा पे पावर सिक्स की वैल्यू। अच्छा आयोटा पे पावर सेवन की वैल्यू का अगर बात किया जाए तो आयोटा पे पावर फोर इंटू आयोटा क्यू, तो आयोटा पे पावर फोर की वैल्यू वन एंड आयोटा क्यू की वैल्यू माइनस का आयोटा, अगर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस का आपको आयोटा मिलेगा। तो ये रहा आयोटा पे पावर सेवन की वैल्यू। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको रिजल्ट याद रखना है वो आयोटा पे पावर फोर की वैल्यू रखना है, ठीक है। तो आयोटा पे पावर फोर, तो ध्यान से देखिए आयोटा पे पावर फोर एन का वैल्यू वन होगा, वेयर वेयर एन इक्वल टू कोई भी नेचुरल नंबर होगा वन टू थ्री डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। अगर यहाँ पे आयोटा पे पावर फोर के टर्म में कोई भी नंबर आपको ब्रेक होता है तो उसका वैल्यू हमेशा वन होगा, यहां तक आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अब यहां पर देखिए कुछ क्वेश्चन करते हैं हम, इवेल्यूट। फर्स्ट क्वेश्चन, आयोटा पे पावर 37 प्लस 1 अपन आयोटा पे पावर 67
सेकेंड क्वेश्चन, आयोटा पे पावर 30 प्लस आयोटा पे पावर 40 प्लस आयोटा पे पावर 60। देखिए ये बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ से आपको कंसेप्ट यहाँ पे आपका डेवलप करेगा कि हाँ इसको ब्रेक कैसे करते हैं, जब ज्यादा पावर आते हैं तो उसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए, आयोटा पे पावर 37 प्लस 1 अपॉन आयोटा पे पावर 67 है। इस 37 को आयोटा पे पावर 36 इंटू आयोटा लिख सकते हैं, क्योंकि फिर से इसको ऐड करेंगे तो 37 आ जाएगा, बेस सेम है तो पावर हमारा यहाँ पे ऐड हो जाता है। दूसरी चीज इसको देखिए, 1 अपॉन आयोटा पे पावर, अगर 67 का को टेबल ये ब्रेक करने नहीं आता, 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 वन जा 4 टू 7, 4 से अब आ जाएगा यहाँ पे तो 6 4 जा 24, ठीक है तो 16, यानी आयोटा पे पावर 64 इंटू आयोटा क्यूब आप लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू 1 इंटू आयोटा, आयोटा प्लस इसका, इसका वैल्यू 1 हो गया, आयोटा पे पावर 64 क्या है, 4 का मल्टीपल है, ठीक है, और आयोटा क्यूब का वैल्यू माइनस का आयोटा, तो आयोटा और यहाँ पे प्लस माइनस का आयोटा आ जाएगा आपका। अच्छा, आयोटा का दोनों तरफ आप रेशनलाइज कर दीजिए, तो आयोटा माइनस का आयोटा एंड टू आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है अभी बताए थे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होता है माइनस का 1, तो यहाँ पे आपका आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, माइनस माइनस ये प्लस कर देगा, तो कितना आया रिजल्ट आपका, 2 आयोटा आ गया, यानी आयोटा पे पावर 37 प्लस 1 बाई आयोटा पे पावर 67, इसका वैल्यू आपको मिला 2 आयोटा। सिमिलरली अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, तो ध्यान से देखिए, आयोटा पे पावर सेकेंड का सोल्यूशन, आयोटा पे पावर 30 प्लस आयोटा पे पावर 40 प्लस आयोटा पे पावर 60। अब इसको ध्यान से देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, आयोटा पे पावर 4 के टर्म में आपको ब्रेक करना है, 4 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 4 का मल्टीपल क्या होगा, 28 इंटू आयोटा स्क्वायर। देखिए ये 4 का मल्टीपल ऑलरेडी है, अगर कोई 4 का मल्टीपल होगा तो उसको आप क्या कीजिएगा, ब्रेक नहीं कीजिए, क्योंकि वो तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो गया, फिर ये आयोटा 4 का मल्टीपल है तो ये भी 1 हो जाएगा। अच्छा, ये आयोटा पे पावर 28 इसका वैल्यू हमें 1 मिल गया, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 दोनों कैंसिल होकर कितना आ गया, प्लस का 1, तो इसका वैल्यू होगा प्लस का 1, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आई होप आप इस साइड का नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन आयोटा पे पावर 4n प्लस 1 माइनस आयोटा पे पावर 4n माइनस 1 अपॉन 2 इज, कितना होगा इसका वैल्यू। ऑप्शन आपका ए में 1, बी में आयोटा, सी में माइनस 1, डी में माइनस आयोटा। तो आपको सोल्व करना है, इसमें से कोई ना कोई एक आंसर होगा है आपका। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, तो आयोटा पे पावर 4n प्लस 1 माइनस आयोटा पे पावर 4n माइनस 1 अपॉन का 2। तो देखिए आयोटा पे पावर 4n प्लस 1 को, इन दोनों को आप क्या कीजिए कि सेपरेट कर दीजिए, ठीक है, अलग अलग इसको आप सेपरेट कर दीजिए, तो आयोटा पे पावर 4n इंटू आयोटा माइनस आयोटा पे पावर 4n इंटू आयोटा पे पावर माइनस 1 अपॉन का 2। देखिए आयोटा पे पावर 4n का वैल्यू कितना होगा, 1, क्योंकि 4n, n कोई भी वैल्यू डालिएगा यहाँ पे नेचुरल नंबर, तो 4 के मल्टीपल आएगा, और 4 का जो मल्टीपल होता है उसमें कोई भी वैल्यू आपको डालने के बाद वो 1 देता है, क्योंकि आयोटा पे पावर 4n का वैल्यू कितना होता है, आयोटा पे पावर 4n के वैल्यू 1 बताए थे, तो यहाँ पर देखिए 1 इंटू आयोटा माइनस 1 इंटू आयोटा पावर माइनस 1 अपॉन का 2, तो आयोटा और आयोटा पे पावर माइनस 1 को 1 अपॉन आयोटा लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन आयोटा अपॉन 2, इसको रेशनलाइज कर दीजिए, आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए,
तो आयोटा माइनस आयोटा अपन आयोटा स्क्वायर अपॉन का टू। यहाँ पर देखिए आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, तो माइनस माइनस इसको क्या बना देगा प्लस आयोटा अपॉन का टू। तो ये कितना आ गया टू आयोटा अपॉन टू, टू से कैंसिल होकर आयोटा इसका आंसर आ गया फाइनल। तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ आयोटा पे पावर 19 प्लस 1 अपॉन आयोटा पे पावर 25 का होल स्क्वायर इज, ऑप्शन आपका है 2 माइनस का 2 से, नेक्स्ट ऑप्शन प्लस का 4 और लास्ट ऑप्शन माइनस का 4। इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को क्या कीजिए कि ब्रैकेट के अंदर जो भी है इसको पहले सोल्व कीजिए, लास्ट में इसको क्या कीजिएगा कि आप स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है, तो सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो ध्यान से देखिए आयोटा पे पावर 19 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा पे पावर 16 इंटू आयोटा का क्यूब, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे 1 का 1 पे पावर 25 है, 1 को कितनों बार मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर सेम ही नंबर आते हैं। ठीक है, तो 1 और आयोटा पे पावर 25 का स्क्वायर, ये तो वैल्यू 1 हो जाएगा क्योंकि 4 का मल्टीपल है, और आयोटा क्यूब का वैल्यू माइनस का आयोटा प्लस 1 बाय, इसको 24 इंटू आयोटा लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिए माइनस आयोटा प्लस 1 अपॉन आयोटा, क्योंकि आयोटा पे पावर 24 की वैल्यू 1, माइनस आयोटा प्लस 1 बाई आयोटा है, जब भी आए तो इसको रेशनलाइज कर दीजिएगा। तो माइनस आयोटा प्लस आयोटा अपॉन आयोटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा, इस साइड का आपने नोट कर लिया होगा। तो यहां पर ध्यान से देखिए माइनस आयोटा और यहां पर देखिए प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन का स्क्वायर, तो माइनस आयोटा ये भी हो जाएगा माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो ये टोटल आ गया माइनस टू आयोटा। जब ऐड करेंगे माइनस आयोटा और माइनस आयोटा मिलके माइनस टू आयोटा, अब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आयोटा स्क्वायर आएगा, और अगेन आप क्या कीजिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो 4 मल्टीप्लाई माइनस का 1 माइनस 4, यानी ऑप्शन आपका डी नंबर।